बताइएगा। कहा गया ना, हम कहां हैं, क्या करेंगे उस पैसे का जो पैसा स्कूल नहीं जाके तनख्वाह उठा के घर में लाते हैं। कभी आपने देखा है कि खराब आम का, खराब संतरा का, खराब सेब का जूस बढ़िया निकला हो? नहीं ना। हराम के पैसे का खाया हुआ जो बदन में बनता है खून, वो अच्छा नहीं होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से खराब फल का निकला हुआ जूस होता है। जैसे खराब फल का निकला हुआ जूस पीने के बाद 70 बीमारियां होती हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार के पैसे का उपयोग करने के बाद 70 बीमारी होती है। गांव में काम करने वाला रामदेव को आप बता दीजिए डायबिटीज की बीमारी हो, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, बता दीजिए, नहीं होगा। और देखिएगा जितना आदमी कमाने वाला 40 साल होते होते डायबिटीज गारंटी है ना। अब आप सोचिए कि मध्याह्न भोजन की वो राशि जो उस बच्चे के लिए दी जा रही है जो उस भोजन करने के लिए आपके स्कूल में आता है, मैं सही बात कह रहा हूं, जो भोजन करने के लिए स्कूल में आता है कि हम स्कूल जाएंगे तो दिन में हमको भरपेट खाना मिलेगा, उसका 50 ग्राम चावल, आधा की 50 ग्राम दाल, 10 ग्राम तेल, हे भगवान, इसी के लिए पैदा हुए हैं हम? क्या इसके लिए पैदा हुए हैं? क्या हम शिक्षक इस काम के लिए बने हैं? क्या हम शिक्षक इसके लिए बने हैं कि हम इस विद्यालय नहीं जाएंगे? क्या हम इसके लिए बने हैं कि बगैर विद्यालय गए हुए पैसा उठा लेंगे? क्या हम इसके लिए बने हैं कि BRC को 5000 में फिक्स करके आप पूरा महीना नहीं जाएंगे, वेतन बना लेंगे और क्या नाम है एब्सेंटी भेज देंगे, इसके लिए बने हैं? क्या हम इसके लिए बने हैं कि पदाधिकारियों को घूस दे के अपना सारा वेतन निकाल लेंगे, विद्यालय नहीं जाएंगे, घूम रहे हैं? आप सोचिए, आप शिक्षक हैं, आपको सब जानता है, हमको सब जानता है। अगर हम DM हैं, हम हाँ कहीं बाएं दाएं घूम रहे हैं, सब आदमी देख रहा है कि DM साहब किधर जा रहे हैं। अगर हम रेसिडेंस में बैठे हैं तो लोग कहेगा कि DM साहब घर पर आते हैं, ऑफिस तो आते ही नहीं है, कहेगा कि नहीं कहेगा, भले डबे जुबान से कहेगा। आप अगर विद्यालय नहीं जाते हैं तो लोग पहचान रहा ही मास्टर साहब फलाना स्कूल ही घूम रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा होता है, बताइए। एक तिहाई राज्य सरकार की राशि शिक्षा पे जा रही है। हम बाहर क्या निकालते हैं? TV पर चलने वाला सारा प्रोग्राम साल भर में, इतना बच्चा फेल कर गया, ये देखिए शिक्षक को कुछ नहीं आता है, बच्चा 5वां क्लास को हिंदी लिखने नहीं आता है, 8वां क्लास का जोड़ घटाव लिखने नहीं आता है। वेतन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपसे बहुत कम वेतन, आपसे बहुत कम वेतन सेना पे लड़ने वाले जवान, सेना का लड़ने वाले जवान को मिलता है। कश्मीर, लद्दाख के, तिब्बत के बॉर्डरों पर लड़ने वाले जवानों को बहुत कम तनख्वाह मिलता है, लेकिन वो देश की रक्षा करते हैं। अगर वो आज खड़े हो जाए, आप में बहुत सारे प्रधानाध्यापक यहां बैठे हैं, करीब 4-4.5-500 प्रधानाध्यापक होंगी, उनसे मेरी सैलरी कम है, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे अपनी सैलरी को, बताइए? 1 लाख, 1 लाख 6 हजार, 1 लाख 10 हजार, बताइए कैसे जस्टिफाई करेंगे? किस तरह से सोचते हैं आप कि हम समाज को क्या देके जा रहे हैं? अभी पूर्वे जी ने कहा तो सुबह 9 बजे वैसा आदमी सब फोन करता है हमको कि आप सोच नहीं सकते कि सर स्कूल बंद है, कोनो मास्टर साहब नहीं आया, जैसे अभी डीओ साहब ने कहा फोटो भेजता है, देखिए स्कूल बंद है। अब आप सोचिए कि 60 बच्चा आता है, आप 200 बच्चा बुक कर देते हैं, बुक करते हैं ना भाई, हाँ या नहीं? कौन बोला नहीं? अगर आप नहीं बोले तो हमारे प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए आपका नाम घोषित करेंगे। जो नहीं बोला हाथ उठाइए, नहीं करते हैं आप? कितना पे कितना करते हैं? क्यों 10% करते हैं? हाँ, कहीं नहीं आने की जरूरत है आपको, क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, किसने कहा देने के लिए, किसने कहा देने के लिए? कोई पैसा मांगता है हमको, खबर कीजिए कि पैसा मांग रहा है। हमारा व्हाट्सएप खुला हुआ, एक बार शिक्षक प्रतिनिधि हमारे पास आए कि 7वां वेतन नहीं मिल रहा है, हमने तुरंत कैंप लगाकर कराया, 12-13 हजार शिक्षक का 7वां वेतन हो गया, आप मेरे पास आइए, दिक्कत है? कोई BRC पैसा मांगता मेरे पास आइए, मेरा दरवाजा 4:30 बजे शाम का खुला हुआ, सुबह फ्राइडे को हम दिन भर मिलते हैं, आइए मेरे पास कि हमसे फलाना आदमी पैसा मांग रहा। विद्यालय जाइए, एक आत्मा का जब तक आप मत सोचिए कि हमने
जो पैसा कमाया जाता है रॉन्ग इंट से, रॉन्ग मिन से, वो अच्छा इंट नहीं देता है। आप ये मत सोचिए कि पैसा आपके पास आ गया तो आप घर में सो रहे हैं, पक्के के घर में तो बहुत आराम की नींद आती। आप उस पैसे से बेटा को पढ़ा तो जरूर लीजिएगा प्राइवेट स्कूल में, लेकिन बेटे को नौकरी नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी है। बेटा डॉक्टर जरूर हो जाएगा, लेकिन वो डॉक्टर नहीं हो सकता, उसको फिर 1 करोड़ रुपया दे के और आपको बनाना पड़ेगा डिस्पेंसरी, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। अब वो उस डिस्पेंसरी का मैनेजर होगा, डॉक्टर दूसरा अकेला करेगा। आप देख लीजिए, जो भी लोग कमाते हैं सबकी स्थिति वही है। जो शिक्षक नहीं कमाते उसका बेटा BIT IIT रोड पास करके इंजीनियर हो जाता है, जो कमाते हैं उसको साउथ में जाके 5 लाख रुपया देकर एडमिशन कराना पड़ता है। जो बेटा जो शिक्षक है, जो पदाधिकारी है, जिसका जो ईमानदार है, उसका बेटा 1000 रुपया में उसका हॉस्टल कैंपस में रहकर टॉप करता है, दूसरे का बेटा बंगलोर और दिल्ली में रह करके 10000 रुपया महीना लेता है, फिर भी कुछ नहीं करता, लौट के फिर घर आ जाता है पास करके। जब हम पास करके नौकरी का इंतजाम मेरा करिए, फिर आप सब जगह बायोडाटा लेके जगह जगह घूमते फिरते हैं, कतो कह दीजिए कहीं हो जाएगा नौकरी, सर कहीं देखिए करा दीजिए, सर कहीं करा दीजिए, पास करके बेटा बैठा हुआ है, क्या कर रहे हैं, क्या काम है उस धन का जिसका आप उपभोग नहीं कर सकते, जो उपभोग कीजिएगा तो बीमारी होगी, दान नहीं कर सकते हैं, लास्ट है उसका नाश होता है। नाश होना ही धन का एक रूप है, धनानंद का भी धन का नाश हो गया। कुछ मिला चंद्रगुप्त मौर्य को? मिला, धनानंद को नहीं मिला, पूरा का पूरा मौर्य नाश हो गया उसके बाद। इसलिए धन से नहीं कुछ होना, धन आपके लिए वही है जो आज पूर्वे जी के पास, यही धन है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जो कपूत तो का धन संचय, जो सपूत तो बस, इसी पर चलिए। और अपने बेटे को भी उसी तरह समझिए जिस तरह से कि आपका विद्यालय में आने वाला हर बच्चा है। जब तक आप विद्यालय के बच्चों से पुत्रवत व्यवहार नहीं करेंगे, आपका बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। आपका बच्चा भी देखता है कि आप विद्यालय में क्या करते हैं, आपका विद्यालय देखता है कि आप कार्यालय में क्या करते हैं, आपका बच्चा देखता है कि आप कई बजे विद्यालय गए चले आए। अगर आप कर्मचारी पदाधिकारी हैं तो आपका बच्चा देखता है कि बाबूजी कई बजे ऑफिस जाता है, कई बजे चला जाता है। अगर आप 10 बजे 12 बजे जाते हैं, 3 बजे चले आते हैं, लिख लीजिए बेटा 2 घंटा से बेसी नहीं पढ़ेगा। आप उसको समझाइए कि अपने तो 12 बजे जाते हैं, 3 बजे चला आते हैं, हमको कह रहे 8 घंटा पढ़ो। क्या काम? इसलिए आवश्यक है जो आप प्रतिष्ठा है शिक्षक की, शिक्षक आपने सुना भी है भी कि माता पिता जो पैदा करता है वो एक पिता होता है, और जो शिक्षा देता है वो दूसरा पिता होता है ना। तो उस राह पे चलिए। हम आप सबको हमने आमंत्रित इसलिए किया है कि कल से, जैसा DO साहब ने कहा है, 9 बजे, अभी पूर्वे जी ने कहा कि 9 बजे प्रधानाध्यापक पहुंचे, स्कूल खोल के साफ सुथरा अफरा जो कराना कराए, शिक्षक गनाए और पढ़ाई 9:30 बजे प्रार्थना के बाद, चेतना के बाद प्रारंभ हो जाए और 4 बजे तक विद्यालय चलना चाहिए, है ना। 4 बजे तक शिक्षकों की अगर कहीं कमी है, 2-4-5 शिक्षक तो हमने कल भी कहा है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसका तैयार करेंगे हम लोग रेशनलाइजेशन के तरह, तात अगल बगल में उसकी क्लास लेने के लिए प्रतिनियुक्ति कर देंगे, प्रतिनियोजन नहीं करेंगे, वो बगल के विद्यालय में एक दिन के लिए प्रतिनियुक्ति करते हैं कि मैथ के टीचर हैं, इस मध्य विद्यालय में नहीं है तो इस मध्य विद्यालय में बृहस्पतिवार को जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा जो भी क्लास है उसको 5 क्लास लेके वापस अपने विद्यालय में 5 दिन के लिए वापस आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से होना चाहिए। अभी आपको उन्होंने भी बताया है, सुधीर जी ने भी बताया है। अब बताइए सुधीर जी, क्या 80% क्यों होता है उपस्थिति, और आपके यहाँ भी 75% उपस्थिति आप कागज में दिखाते हैं ना कि नहीं दिखाते हैं? सब जितना लाभ है देते हैं ना बच्चों को, बगैर 75% पर साइन किए तो नहीं देते हैं, बताइए। और जब जांच करने जाइए विद्यालय में तो पता चला है कि आधा से कम बच्चा आया हुआ, तो वो करिए महीने में एक दिन 10 तारीख को टीचर पेरेंट्स मीटिंग करिए, ठीक है, हर 10 तारीख को, नहीं है अगले दिन करिए टीचर्स पेरेंट मीटिंग में, प्रधानाध्यापक 2-3 शिक्षक, 1 शिक्षक 2 शिक्षक विद्यालय में बैठिए,
और एक शिक्षक या दो शिक्षक, तीन शिक्षक, जो भी उपलब्धता आपके पास है उसको आप भेजिए फील्ड में, अपने पोषक क्षेत्र में, कि आप फलाने टोला में आप जाइए, फलाने टोला में आप जाइए, फलाने टोले में आप जाइए। आठवां नवां का बच्चा, सातवां का बच्चा अगर मिडिल स्कूल है, सातवां छठा का, दस दस बच्चा लेके जाइए और बुलाइए माता पिता पिताओं का, बुलाइए बच्चा सबसे, वहाँ भाषण कराइए, शराबबंदी पर बोलो, दहेज विवाह पर बोलो, है ना, शिक्षा पर बोलो, कुछ कुछ बच्चा से बोलो। जब बच्चा बोलेगा आपका, जो अच्छा बच्चा है, तो वहाँ के माता पिता को लगेगा कि पढ़ा है, इतने बड़ा बच्चा है, कितना बढ़िया बोलता है, और तुम स्कूल नहीं जाता, तुम नहीं बोलता, तुम स्कूल जाओ, जाओ स्कूल, आपके यहाँ अपने आप बच्चा आना। अगर माता पिता आप तक नहीं आता, देखिए एक बार विश्वास टूट जाता है ना तो लोग नहीं आता है, और इसीलिए यही कारण है कि आपका विद्यालय चंद लोगों का गुलाम हो गया। दो चार को जो आपके यहाँ ट्रबल मेकर है, दो चार पांच को है, वो आपका आकर दोहन करता है, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, विद्यालय बंद करो, टीचर देर से आया, मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ी है, कीड़ा निकल गया, और उसी चार आदमी के हाथ में आप खेलते हैं। कारण यह है कि आपने लोगों का विश्वास तोड़ दिया है। आप एक बार लोगों तक पहुंचिए, मैं कह रहा हूं आप आजमा के देखिए, 10 तारीख को आप इसको आजमा करके देखिए, आपको उससे लाभ मिलेगा। हर शनिवार को जब आप मीटिंग, मध्यान्ह भोजन आपका खत्म हो जाता है, आप 20 बच्चा 25 बच्चा 50 बच्चा जो सबसे ऊपर के क्लास का लेकर के एक इलाके में जाइए, सबको वहां से बुला लीजिए, लोगों को आप बुला के भाषण कराइए उस शनिवार को दिन, सेकेंड हाफ में। बच्चों को एक नंबर दीजिए, कहिए कि जो आदमी जाएगा शनिवार को, सब आदमी को परीक्षा में नंबर मिलेगा, 100 नंबर, है ना, बच्चा जाएगा, और बच्चा से वहां भाषण दिलवाइए, लोग तुरंत आना शुरू होगा, और जब आना शुरू होगा लोग जुड़ जाएगा, लोग तक आप पहुंचिएगा, बच्चा पढ़ा हुआ जाके वहां 10 बात बोलेगा, आप में विश्वास जगेगा, चार आदमी के हाथ की आप कठपुतली नहीं रहिएगा। बड़ा आसान काम है, चार आदमी का कमेटी बना के आपके यहाँ डाल देगी, निगरानी करेगा आपका, वो निगरानी नहीं करेगा, एक एक किलो चावल वो लोग डेली लेना शुरू कर देगा, बच्चा को 50 ग्राम में 40 ग्राम मिलना शुरू हो जाएगा, फिर वो कमेटी बना देंगे, 10 ग्राम फिर ले लेगा, 30 ग्राम हो जाएगा। इसलिए हमने सीधे आपको बुलाया आपसे बात करने के लिए, बीच में कोई नहीं है, जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के बीआरसी कोई नहीं है मेरे और आपके बीच में, एक नया पैसा किसी को नहीं देना है, किसी साधन से भी को नहीं देना है। आप फोटो खींच के भेज दीजिए, हमको पैसा मांग रहा, हम उसी समय नहीं निकाल दिए था, जो भी पैसा मांग रहा है, कोई वीडियो बना के भेज दिया, शाम तक कार्रवाई कर देंगे, स्पष्टीकरण पूछने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए आप जब तक अपने आप को करप्शन से बाहर नहीं लाएंगे, लोगों को करप्शन से बाहर नहीं लाएंगे, अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। देखिए, एक अगर कर्मचारी करप्शन करता है, एक आदमी इफेक्टेड होता है, एक शिक्षक के यहाँ अगर कर्तव्य निष्ठ नहीं होता है, पूरा वंश पूरा समाज बर्बाद होता है। हमारा काम, आपका काम, समाज और व्यवस्था का निर्माण करना, भविष्य का निर्माण करना है, वर्तमान से आगे। अगर वर्तमान महत्वपूर्ण है तो भविष्य उससे अधिक महत्वपूर्ण है। तो हमने आप सबको बुलाया, आप कुछ लोग खड़े भी हैं, हम निजी शिक्षा पदाधिकारी से पूछा है, कुछ कुर्सियां कम मिल पाई हैं इसके कारण, क्या नाम है, लगन के कारण, जितनी मिल पाई है मंगाया उन्होंने, और आप सब यहां आए हैं, मेरी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि कल से विद्यालय सुधारिए, और नहीं सुधारिएगा तो फिर हम सुधारें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद अंतिम औपचारिकता के